देखिए, सीईसी की बैठक थी और बैठक में चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवारों पे ही विचार किया जाता है। थोड़ी देर इंतजार करिए, कौन हमारा प्रत्याशी किस जगह से इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता जनार्दन के मैदान में होगा, वो आपको अपने ऑफिशियली पता चल जाएगा। पहले ही हम लोगों ने कहा है कि चुनाव के घोषणा के 48 घंटे के अंदर हमारे प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। सारे ऑफिशियल घोषणा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। एनडीए इंटैक्ट होकर के इस भ्रष्टाचारी सरकार को खड़ा फेंकने के लिए लड़ेगी। मैंने थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, सारे अधिकारी घोषणाएं बहुत जल्द, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज़ 76।